यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म पद्मावत के बारे में। दोस्तों, पद्मावत भारत में तमाम विरोध के बाद रिलीज हो पाई है। राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण इस फिल्म का कड़ा विरोध हुआ है, लेकिन अब ये फिल्म जो है मलेशिया में भी बैन हो गई है, क्योंकि राजपूत समाज के अलावा यहाँ एक ऐसा समुदाय भी है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मलेशिया के नेशनल फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज से रोका है। दरअसल मलेशिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए फिल्म में मुगल शासक अलाउद्दीन का नकारात्मक किरदार दिखाने से इस देश के वासी नाराज हैं। मलेशिया सेंसर बोर्ड के चीफ मोहम्मद जम्बेरी अब्दुल अजीज ने अपने बयान में कहा है, इस फिल्म का कंटेंट मलेशियाई लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मलेशिया की अधिकतर आबादी मुस्लिम धर्म मानने वाली है, इसकी कहानी से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। बता दें कि इस फिल्म में खिलजी को हिंसक, लालची और वहशी दिखाया गया है।